हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल हाइजीनिक घर में बने हुए गोलगप्पे की रेसिपी। फिर देरी किस बात की, करते हैं शुरू। गोलगप्पों का खट्टा पानी बनाने के लिए हम थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, दो हरी मिर्ची, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और एक नींबू लेंगे। तो सबसे पहले हम धनिए को रफली चॉप कर लेंगे और पुदीने के तो हमने पत्ते अलग कर ही लिए हैं और हरी मिर्ची को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। अब ये सारी चीजें हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी बर्फ। बर्फ डालने से गाइस धनिया पुदीने का हरा रंग वैसे ही रहता है। तो इसको हमने पानी डाल के पीस लिया है और अब एक छन्नी के हेल्प के साथ हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। गाइस हम इसमें दो तीन बार पानी डाल के अच्छे से सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारा पानी निकाल लिया है। तो इसमें हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही काला नमक डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें जलजीरा मसाला डाला है। अब हम इसमें एक नींबू निचोड़ लेंगे और एक चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें चिल्ड वाटर डाल देंगे। हमारा गोलगप्पों का खट्टा पानी तैयार है। अब मैंने एक बाउल में आधी कटोरी इमली और आधी कटोरी ही गुड़ ले लिया था और इसको भिगो के रख दिया था। तो इसको भी हम अच्छे से दो तीन बार पानी डालते हुए छान लेंगे और फिर इस पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे। गाइस इसके ऊपर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन आता है ये हमने सारा निकाल देना है क्योंकि ये गुड़ और इमली की इम्प्योरिटीज होती हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है काला नमक और हमारा मीठा पानी बनके तैयार है। अब हम गोलगप्पे बनाएंगे। आजकल रेडीमेड इस तरह से गोलगप्पे मिल जाते हैं, बस इनको गर्म तेल में फ्राई ही करना होता है। देखिए हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे से बन रहे हैं। और हमने जो मीठी चटनी बनाई थी वो ठंडी हो गई है। अब हम इसमें ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे और इसमें हम 5-6 फ्रेश पुदीने की पत्तियों को क्रश करके डाल देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, जैसा फ्लेवर आपको पसंद है आप वही फ्लेवर इसको दे सकते हो। और हमारा ये गोलगप्पे का मीठा पानी भी बनके तैयार है। और अब हम आलू लेंगे और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। तो जब तक हम आलूओं को काटते हैं आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आलूओं को हम एक कटोरी में डाल देंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, एक चुटकी भर लाल मिर्ची और एक चौथाई चम्मच मैंने डाल दिया है नमक और इसमें मैंने उबले हुए ब्लैक चने डाले हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम तीन तरह का पानी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गोलगप्पों में थोड़ा सा छेद कर लिया है और उसमें हमने अपने आलू और चने का मिक्सचर डाल देना है। गाइस मिक्सचर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हो। जिसको ज्यादा पसंद है वो ज्यादा डाल लें और जिसको कम पसंद है वो कम मिक्सचर डालें।
तो एक गिलास में मैंने मीठा पानी डाल लिया है और दूसरे गिलास में हम डालेंगे धनिया पुदीने का खट्टा पानी और तीसरा गिलास मिलाया है जो मैंने खट्टा और मीठा पानी मिक्स करके बनाया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है गाइस। तो अगली बार जब गोलगप्पे खाने का मन हो तो इसको घर पे ही बनाइएगा। लेट्स टेस्ट।